सीना कहते हैं ये इंसान, 56 mm का सीना नहीं है इनका कि बहरी सरकार है। देखिए संसद थोड़ा सा दूर है, आपकी बात नहीं सुन रही है। राम मंदिर बनवाएंगे, फिर उसके बाद जय श्री राम के नारे लगवा पे उस पे दंगे करवाएंगे दिल्ली में, और फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम अच्छी सरकार है। आप अपनी तरह अनपढ़ मत समझिए मोदी जी सबको, आप अनपढ़ हैं, यहाँ के लोग अनपढ़ नहीं है। कपिल मिश्रा एक पागल इंसान है, उसकी बात हम इस आंदोलन में ना करें ना। नमस्कार, मैं हुदेव, इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी, ये सिंधु बॉर्डर है, और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नेहा भारती जी। क्या लग रहा है नेहा, किस तरीके से देख पा रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को? हमें तो मतलब जितनी उम्मीद नहीं थी उससे बढ़ चढ़ कर ये प्रोटेस्ट आया। लाखों के मतलब मात्रा में लोग हैं यहाँ पे, लाखों लोग हैं। दूर दूर तक देखे तो सिर्फ लोग ही लोग दिखते हैं, किसान ही किसान दिखते हैं, दिल्ली वाले भी दिखते हैं उनके साथ, और दूसरे राज्यों से लोग आए वो भी दिखते हैं उनके साथ, तो बहुत खुशी होती है। देखिए इस आंदोलन में कुछ बात थी तभी हमारे अमित शाह जी ने घुटने टेके, कल होने वाली बात आज शाम को करने के लिए वो तैयार हो गए। तो कुछ तो बात है इस आंदोलन में, और जिस तरह से 8 दिसंबर जैसे आज है भारत बंद का, यहाँ पर कॉल की गई कि हाँ भारत बंद रहेगा, तो अगर जिस तरह हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली बंद है। मैं घर से जब बाहर निकली थी तो हमारा पूरा एरिया बंद था। अगर यूपी बंद नहीं है तो यूपी इसलिए बंद नहीं है क्योंकि वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं। धारा 144 लगा दी गई है, और इसलिए लगा दी गई है कि किसी ने भी धरना प्रदर्शन किया तो सीधा उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। तो धारा 144 लगाकर आप भारत बंद की जो कॉल दी गई उसको नकारना चाहते हैं कि भारत बंद नहीं होगा, एटलीस्ट यूपी तो बंद नहीं होगा। अगर बीजेपी के कुछ राज्य बंद नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत बंद नहीं है। भारत बहुत बढ़ चढ़कर बंद हुआ, और आज हम देखें तो दूर दूर तक इतने लोग हैं यहाँ पर, और किसानों ने इस बार अपनी पूरी पावर दिखा दी, यूपी के, बिहार के, या फिर हरियाणा के, या फिर सबसे मेन जो सिख भाई हमारे निकल कर आए वहाँ पर, हमें पता चल गया कि हाँ किसान नहीं, अगर किसान नहीं तो हम भी नहीं। और यहाँ पर जो भी आज मैं भी शायद जुड़ी हूँ यहाँ पर, या फिर लगातार जुड़ रही हूँ, तो इसीलिए जुड़ रही हूँ क्योंकि आज ये मेरी रोटी का सवाल है, मेरे पेट का सवाल है। अगर किसान नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, तो इसलिए उनके साथ मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। हम दिल्ली वालों को ही नहीं, हर राज्य से आने वाले लोगों को उनके साथ मिलकर खड़ा होना पड़ेगा इस आंदोलन में, ताकि जो ये MSP और जो बेतुके कानून इन पर थोपे गए हैं किसानों पे, उनको वापस ले सके सरकार। नरेंद्र सिंह तोमर ने तो कह दिया कि किसान बिल जो है वापस नहीं होगा, 5 तारीख को जो बैठक थी आप जा सकते हैं। बीज का समाधान कह रहे थे, किसानों ने मना कर दिया कि बीज का समाधान नहीं चाहिए। ये ना इनके ना बीजेपी के नेता या फिर हमारी जो केंद्र सरकार है ना, इनकी बातें समझ नहीं आती। कोई कहता है बिल वापस नहीं होगा, कोई कहता है कि MSP लागू था, लागू है, लागू ही रहेगा। तो मतलब आप खुद पहले सरकार एक साथ बैठिए और अपना दिमाग चलाकर ये सोचिए कि भैया MSP लागू रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर अपने नरेंद्र मोदी से या अमित शाह से ये पूछ के आइए कि भैया हमें आगे स्टेटमेंट जो देनी है क्या देनी है। कोई बीजेपी का नेता कुछ बोलता है, कोई बीजेपी का नेता कुछ बोलता है, कोई किसानों के साथ हो जाता है, कोई उनको गालियां बकता है। तो पहले अपने आप ये किसान और ये बीजेपी बैठे और ये सोचे कि हमें आखिर आगे स्टेटमेंट क्या देनी है। अगर हमें हमारे अमित शाह जी कहते हैं, आज उनको शाम को बात करने के लिए बुलाया है, तो प्लीज कृपया करके आप आश्वासन देने की गलती ना करें किसानों को, क्योंकि आपके नरेंद्र मोदी जी से या फिर अमित शाह जी से एक्सपीरियंस लोग आज इस आंदोलन में शामिल है। रात रात को यहाँ पर ठंड में बुजुर्ग लोग रुकते हैं, तो जरा ये अपनी गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आश्वासन दे देंगे और ये लोग वापस अपने घर चले जाएंगे, या दिल्ली वाले हो वापस अपने घर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आश्वासन से कुछ नहीं होगा। आश्वासन तो आपने 15 लाख का भी दिया था, 2 करोड़ नौकरियों का भी दिया था, कोरोना वैक्सीन का भी दिया था, और वो हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। उसमें 200 नौकरियां भी नहीं मिली लोगों को, 15 लाख के 15 रुपए भी नहीं मिले लोगों को। तो अगर आपको सही में उनकी मांगे मांगनी है तो कृपया करके लिखित में दीजिए, तब जाके किसान भाई जो है उनको भी संतुष्टि मिले इस आंदोलन से, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम इतने ठंड में अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पूरी पूरी रात यहाँ पर रुके, परेशान हो यहाँ पर। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं यहाँ पर, वाटर कैनल का प्रयोग कर रहे हैं। अपने आप को 56 इंच का सीना कहते हैं ये इंसान, 56 mm का सीना नहीं है इनका। जो हमारे किसान जो हमें रोटी दे रहे हैं, हम उनकी वजह से जी रहे हैं। आज आपकी जिंदगी शायद कुछ नहीं है, आज आपके लिए सब कुछ है अडानी अंबानी। आपको करना है प्राइवेटाइजेशन, आपको करनी है सारी कंपनियां प्राइवेट, जो 6% सरकार को हमारे किसान देते हैं, 94% तो वैसे भी वो आर्थियों को ही बेचते हैं, वैसे वो बीच के जो मिडल वो लोग होते हैं, दलाल जिनको हम कहते हैं, वो उनको ही देते हैं 94%। जो 6% MSP का जो है आप उसको भी हटा के ये सोच रहे हैं कि सीधा सीधा भैया अडानी अंबानी की जो कंपनियां हैं उसको वो खरीदेंगी, उसके बाद पंजाब में उन लोगों ने मतलब
ये देखिए प्री प्लानिंग कैसे होती है। जो हमारे अडानी अंबानी हैं, उन्होंने पंजाब में जो स्टॉक करने के लिए जो चीजें होती हैं, स्टोर होते हैं, वो खरीदने भी स्टार्ट कर दिए उनकी जमीन, वो बनवाने भी स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पता है कि बीच में से एमएसपी हट जाएगा, भैया हम तो सीधा सीधा खरीदेंगे, बहुत कौड़ियों के दाम पर खरीदेंगे और बहुत महंगा महंगा आगे सप्लाई करेंगे। इस तरह से देखिए इन्होंने हमारे रेलवे बेच दिए, इन्होंने एयरफोर्स सब कुछ बेच दिया, इन्होंने हमारा लाल किला लीज पर दे दिया। मतलब आप सब कुछ भेजते रहेंगे, जो हमारे भारत की धरोहर है, जिसके भारत जिसकी वजह से चल रहा है, जिसकी पहचान है भारत के वजह भारत की, उन सब चीज़ों को आप बेच देंगे। और अब आप ये सोच रहे हैं कि जो किसानी है, जो किसानी को भी मतलब किसानों को हम बेवकूफ़ बना देंगे और उनकी ज़मीनें जो है सीधा मतलब एमएसपी हटाकर सीधा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, ताकि अडानी अंबानी जो है सारा फायदा उठा सके। देखिए जो करोड़ों करोड़ों की रैलियां करते हैं ना हमारे नरेंद्र मोदी जी, जरा उनसे पूछिए जो पैसा लगता है वो कहां से आता है। जो लाखों लाखों कुर्सियां लगवा देते हैं ना, वहां पे 10 लोग नहीं बैठे होते, लाखों लाखों कुर्सियां लगी होती है, वहां पर ये पूछिए पैसा कहां से आता है। वो पैसा होता है हमारा, वो पैसा होता है जो अडानी अंबानी है उनका, जो आप पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। देखिए अगर पेट्रोल की हम बात करें ना, तो बाहर के जहां से हम पेट्रोल लेते हैं वो इतने नीचे दामों पर है। अभी इस टाइम अगर हम सही में लॉजिकली बात करें ना, हमें 35 से 36 रुपए पेट्रोल मिलना चाहिए और हमें दिल्ली में 80 से 90 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। जब यही अगर यही हम सरकार से पहले की बात कर लेना यहाँ पर, कि जब कांग्रेस सरकार थी 2014 से पहले, तब यही लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए थे पेट्रोल के लिए। 2013 की मैं बात करूं, 2013 में भी किसान आंदोलन हुआ था जब हमारी कांग्रेस सरकार थी, और इनके पार्टी के जो नेता हैं राजनाथ सिंह, वो इनके पार्टी अध्यक्ष थे उस टाइम। तब इन्होंने जब यहाँ पर जंतर मंतर पे, जिसमें आज यहाँ पे हमारे किसानों को घुसने भी नहीं दिया जा रहा है, तब वहाँ पर जब किसान बैठे थे तो राजनाथ सिंह ने आकर खुद बोला था कि सरकार ये बहरी सरकार है, कांग्रेस के लिए बोला था कि बहरी सरकार है, देखिए संसद थोड़ा सा दूर है, आपकी बात नहीं सुन रही है। और आज ये लोग खुद देखिए लाखों के मतलब, जब तो बहुत कुछ गिने चुने किसान थे, आज लाखों में किसान है, पर हमारी जो इतनी मतलब इतनी अच्छी सरकार, जिनको ये भक्त कहते हैं कि ये तो आरोप लगा रहे हैं हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, तो लाखों लोग पागल हैं क्या? जो लाखों लोग यहाँ पर हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम जो लोग हैं ना वो पढ़े लिखे लोग हैं, जो किसान भाई हैं ना उनके जो बच्चे हैं वो कैनेडा में शिफ्ट हैं, कैनेडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, इतनी पढ़ी पढ़ी लिखी फैमिली से हैं, पर वो किसानी को बचाने के लिए, हम लोगों को बचाने के लिए, दिल्ली वाले नहीं जितने भी राज्य हैं उनको बचाने के लिए हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए ये लड़ रहे हैं, हम इनके लिए नहीं लड़ रहे। आज हम इनके साथ शामिल नहीं हुए हैं, ये लोग हमारी वजह से आज यहाँ पे बैठे, अपनी वजह से नहीं बैठे, क्योंकि अगर हमारी किसानी ठीक से हो पाएगी और अगर हम किसानों की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारी जो सरकार है, जो हम विश्व गुरु बनकर मतलब टन बजाते हैं ना, हम विश्व गुरु बनने का, तो हमारे यहाँ सब्सिडी जो मिलती है ना पूरी 16,000 रुपए भी नहीं मिलती किसानों को, पूरे साल की 16,000 रुपए। और ये विश्व गुरु बनते हैं ना, तो जापान को बताऊं कितनी सब्सिडी मिलती है, 9 लाख रुपए, 9 लाख। और फिर ये अपना अमेरिका से मुकाबला करने चलते हैं कि हम तो विश्व गुरु बन जाएंगे। अमेरिका में ये रूल है कि अगर पूरे साल में भी किसान कुछ नहीं कमाता ना, तो 42 लाख रुपए मिलते हैं उनको सब्सिडी के, 42 लाख। ये बात याद रखें। और हम यहाँ पर खुश हो रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हमने तो सब कुछ भैया, हमने तो सारे झंडे गाड़ दिए हैं। झंडे किस चीज में गाड़े हैं? अपने हिंदू मुसलमान में। आप लव जिहाद का कानून लाएंगे, आप 370 हटा देंगे, आप ट्रिपल तलाक ले आएंगे, आप बेतु के कानून लाकर हिंदू मुसलमान कराएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, फिर उसके बाद जय श्री राम के नारे लगवा पे उस पे दंगे करवाएंगे दिल्ली में, और फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम अच्छी सरकार है। अगर भाजपा के लोगों ने कहा कि अडानी अंबानी ग्रुप जो है 36,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष टैक्स देती है, इस वजह से जो है ये कानून जो है फायदा तो पहुंचाएगी, लेकिन किसानों को खास नुकसान नहीं होने जा रहा है। अच्छा, खास नुकसान नहीं होने जा रहा है, तभी वो यहाँ पर बैठे हैं। मतलब किसान तो बिल्कुल, उनके अंदर तो दिमाग ही नहीं है, वो तो पढ़े लिखे है ही नहीं। आप अपनी तरह अनपढ़ मत समझिए मोदी जी सबको, आप अनपढ़ हैं, यहाँ के लोग अनपढ़ नहीं है, यहाँ के दिल्ली वाले अनपढ़ नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे किसान है, हरियाणा यूपी हर जगह से आए हैं। हरियाणा में तो आपकी सरकार है ना, हरियाणा के किसान भी यहाँ पर जुटे हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पर आकर एक बारी। पर इन लोगों को तो देखने, देखिए निगम पार्षद के चुनाव में जाके रैलियां करते हैं, मतलब
मतलब जो लोग बाथरूम साफ कराते हैं, बाथरूम बनवाते हैं, हल्की हल्की फुड़की सड़कें बनवा देते हैं, उनके लिए ही बीजेपी वाले जा रहे हैं। आज तक तो हमने नहीं देखा कि ऐसा ऐसा होता है, इतने छोटे चुनाव में ये लोग जाते हैं। तो अगर आपके लिए ये बड़ी बात है, आपके लिए मेट्रो का उद्घाटन करना आगरा में बड़ी बात है, और हमारे किसान लगातार यहाँ पर बैठे हैं, अगर उनके लिए आप नहीं सोचते तो आपको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। कपिल मिश्रा ने कह दिया कि ये शाइन बाग 2 है मैडम, तो कैसे देख रहे हैं? कपिल मिश्रा एक पागल इंसान है, उसकी बात हम इस आंदोलन में ना करें ना। देखिए, इस आंदोलन में आकर कपिल मिश्रा का नाम लेना यानी इस आंदोलन की बेइज्जती करना। एक दो लोग, दो तीन लोग ऐसे हैं, तेजस्वी सूर्य हो गया, कपिल मिश्रा हो गया, और ये सबसे मेंटल औरत जो है जो निकल के आई है, महिला ये कंगना रनौत जो निकल के आई है कि भैया ये कंगना रनौत जो निकल के आई है जो भैया के यहाँ पे देखिए 150-150 रुपए क्या क्या लगा रखा है उसके लिए, इस कदर वो पहले ही मतलब बेइज्जत थी, जो उसकी इज्जत कुछ नहीं थी, जो बच्चे कुछ इज्जत थी। इस जो मामले में उसने बोला है कि हमारी जो दादियां हैं, बूढ़ी बूढ़ी दादियां, वो 100-100 रुपए लेकर आई हैं, इस तरह के उसने ट्वीट किए, उस औरत को तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। और खासकर वो एक महिला है, और महिला होने के बावजूद किसी महिला के ऊपर ऐसा आरोप लगाना, तो अगर आपके मन में इतना ही है ना, तो पहले अपने गिरवान में झांक कर देखिए आप क्या हैं, आपने क्या क्या किया है, क्या क्या करके यहाँ तक पहुंची हैं, आप पहले वो देखिए, उसके बाद हमारी बूढ़ी दादियों पर सवाल उठाइएगा। देश में ट्रेंड चल रहा है, और ट्रेंड ये है कि हम किसानों के साथ नहीं बल्कि पीएम मोदी के साथ है। अच्छा, पीएम मोदी के साथ है, वो कौन से भक्त हैं, जो कौन से भक्तगण हैं? मैंने कहा ना, जो हमारी हालात है ना, जो आज हमें ये हालात देखने पड़ रहे हैं, जो हमें शाहीन बाग का आंदोलन देखना पड़ा, जो हमें दिल्ली के दंगे देखने पड़े, वो शायद बीजेपी सरकार की वजह से नहीं थे, वो थे इनके भक्तों की वजह से, जिन्होंने उनको वोट दिए और जितवाया, वो उन भक्तों की वजह से थे। आज उनको खुद नहीं पता एमएसपी का मतलब क्या होता है, और वो हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि भैया एमएसपी का मतलब जानते हो, तो हम उनको समझा देते हैं, तो कहते गलत मतलब समझा रहे हो। वो लोग बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं। देखिए, जो जाहिलियत होती है ना, उन लोगों की जब बाहर निकल कर आती है, जब उनसे आप आमने सामने करते हैं, जब पता चलता है कि वो कितने पढ़े लिखे लोग हैं। और इनके भक्त अक्सर इस तरह की ट्वीट करते हैं, इनका आईटी सेल इतना मजबूत है, इनको देखिए बेरोजगारी इनको पता है बहुत ज्यादा है, तो ये लोग क्या करते हैं, महीने के 100-200 उनको पकड़ाते हैं जेब में, और कहते हैं कि भैया तुम्हें रोज इस ट्वीट पर करना है, तो इसी तरह से उनकी ट्रेंडिंग चल जाती है। पर ट्रेंडिंग चलने से कुछ नहीं होता, अगर ट्रेंडिंग इतनी ही बड़ी होनी होती ना, तो लाखों की संख्या में जो लोग जुटे हैं वो ना जुटे होते। बहुत शुक्रिया।